सर आई थिंक सबसे पहले तो हम ये आपसे सुनना चाहते हैं, मलाड मस्ती में आप आकर आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके प्यार का, कि मुझे भी आपने मौका दिया और आप सुबह से 6 बजे के आप आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी गर्मी में आप लोगों का प्यार है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आई लव यू, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे कोई भी कलाकार, ये कोई पैसे के लिए नहीं आया, ये तो असलम भाई का डर खींच लाया है। हर संडे यहाँ प्रोग्राम हुआ है, मजा आ गया, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार आए हैं, इस बार बहुत बड़े बड़े सिंगर आए हैं, सुखविंदर आए हैं, बहुत सारे सुदेश भोसले, हम चाहते हैं कॉमेडियन भी हो तो कोई अच्छा हो। मैं कहता थैंक यू, आपने मुझे काबिल समझा, कहते काबिल गूगल ने कपिल शर्मा का नंबर दो। तो ये हमारे असलम भाई हैं, ये प्यार है इनका। तो मैं भी सिंगर बनना चाहता था, मैं सुखविंदर जी का शागिर्द हूं, आपको यकीन नहीं आ रहा, तो सुनो, मैंने अभी इंग्लिश सीखी है, गाना भी सीख लूंगा। हाय थैंक यू, जरा बजाना जरा, मैं गा के सुनाऊंगी ना, आपने बताना कि मैं सिंगर बन सकता हूँ। मैनेजर है, इसने बड़ी मेहनत की है यहाँ पर, इसके लिए भी तालियां हो जाएं। और ये 10% मेरे से लेता है, अब जाना नहीं, जब भी कोई शो होता है 10% मुझे इसको देना पड़ता है। आज यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी है, ना मुझे कुछ मिला है ना इसको कुछ मिला है। अरे इस, जब ये आता तो कुत्ते की आवाज निकालो ना। तो ये शेखर 10% लेता है मेरे से, और मैं इसको 10% देता हूँ तो मुझे अंदर से बड़ा दुख लगता है, किस चीज का ले जाता है ये। फिर मैंने भी बड़ा दिमाग लड़ाया, मैं जिम जाता नहीं, इसको भेजता हूँ, ये मेरे हिस्से के वहां पे बॉडी बनाता है। कभी कभी इतना ये मैंने बनाया इसको, इसको कुछ नहीं पता था। दिल्ली पहली बार मेरे साथ गया, वहां पे हम यहाँ पहुंचे तो कहता है, अरे सुदेश जी ये छोटा सा कमरा यहाँ आपको रखेंगे होटल में? मैं कहा ये कमरा नहीं, ये लिफ्ट है। जहाज में इसको मैंने पहली बार बिठाया, नीचे देखता है, अरे ये तो बहुत ही चींटियों जैसे लोग लग रहे हैं। मैं कहा चींटियां हैं, जहाज अभी उड़ा नहीं। तो ये इसका हाल है, लेकिन ये है कि इसका प्यार है, कि जब मैं यहाँ पे आया था ये मुझे मिला था, मेरे पास कुछ नहीं था, अमृतसर से जब मैं आया तो सिर्फ मेरी जेब में 1500 रुपए था, आज इसकी वजह से 3-4 करोड़ का कर्जा है, क्योंकि इसने कहा गाड़ी ले लो, ये ले लो, इज्जत बनेगी। अब मुझे पता चलता है गाड़ी खुद के लिए, मेरी गाड़ी यही चलाता, जरा जब मैं नहीं होता तो फिर असलम भाई की गाड़ियां चलाता है। चलो ठीक है, इतना ही था, बाकी बेइज्जतियां और तैयार करूंगा, तेरे को बुलाऊंगा। तो हमारे